इस वक्त मौजूद हैं पूर्व जिला अध्यक्ष रविंद्र सिंह राठौर जी। राठौर साहब, जानना चाहूँगा आज सदस्यता अभियान जो आप चला रहे हैं, क्या टारगेट है और क्या टाइमिंग है आपकी? इस समय भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान भी चल रहा है, साथ साथ नए वोटर को जोड़ने का भी आज हमारे कैंप लगे हुए हैं पार्टी की ओर से। आज 21 तारीख है और दूसरी आखिरी तारीख 27 और 28। और सदस्यता, नए सदस्यता उत्तर प्रदेश में हमारे 2.5 करोड़ सदस्य हैं। अब हमारा लक्ष्य 1.5 करोड़ सदस्य और बनाने का है, जिसमें काफ़ी हद तक हम आगे बढ़ चुके हैं। और अंत तक, नवंबर के अंत तक और 15 दिसंबर तक या दिसंबर तक हमारा 1.5 करोड़ का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। इसलिए आज पूरे पार्टी के जहाँ जहाँ भी हमारे बूथ के कार्यकर्ता हैं, बूथ लेवल के सदस्य, बूथ की समिति, वो नए वोटर को जोड़ने में लगी है और साथ साथ सारे प्रमुख कार्यकर्ता नए पार्टी के सदस्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं। नवाबगंज विधानसभा का क्या टारगेट है? यहाँ पे लगभग कितने सदस्य नए बनाने होंगे? नहीं, हर विधानसभा का 10,000 का टारगेट है। अच्छा, हर विधानसभा का 10,000 का टारगेट है कि नए हमें वोट बनाने हैं और नए सदस्य जोड़ने हैं। वो तो पूरे उत्तर प्रदेश का लक्ष्य एक ही है, कहीं पे कुछ काम ज़्यादा होएगा, कहीं पे कुछ काम कम रह जाएगा, लेकिन सदस्य टारगेट हमारा उत्तर प्रदेश की ओर से निर्धारित होता है। उस दृष्टि से पूरे सब विधानसभाओं का एक ही टारगेट है। टिकट की क्या संभावना है, कौन से महीने में कब तक फाइनल हो सकते हैं? देखिए, ये टिकट का काम तो हमारे वरिष्ठ लोगों का है, उत्तर प्रदेश और जो राष्ट्रीय टीम है उनका है। मेन बॉडी में आप भी हैं ना? आप भी सदस्य मेन बॉडी में, तो आप भी उसी मेन बॉडी का हिस्सा है ना? टिकट का काम प्रदेश की टीम करती है और प्रदेश के साथ साथ राष्ट्रीय टीम भी उसमें शामिल होती है, उसी में होगा। प्रदेश की कार्यकारिणी में आप मेंबर हैं? प्रदेश की कार्यकारिणी में सदस्य हूँ मैं, लेकिन ये काम और उससे, इससे हम लोगों का वास्ता नहीं है। हमारा काम है कि पार्टी जिसे भी टिकट देगी उसे पूरी ताकत के साथ पार्टी के कार्यकर्ता लड़ाने का, जिताने का काम करेंगे। क्या नीति रहेगी इस बार पार्टी की? जैसे पिछली बार जो नए लोगों की एंट्री हुई, फिर बाद में टिकट उन्हें मिला और जीत भी गए वो, तो इस बार क्या वही नीति काम आएगी या फिर कुछ नया होने वाला है? देखिए, पार्टी की नीति, पार्टी का विस्तार, अधिक से अधिक हमारी पार्टी के, हमारा जो लक्ष्य है 350 के पार का, वो हमें पूरा करने हैं। उसी दृष्टि से पार्टी में कर्मठ, जिताऊ, जुझारू ऐसे लोगों को ही टिकट पार्टी देगी। और टिकाऊ? टिकाऊ, टिकाऊ तो साथ में जुड़ा ही हुआ है, और जो पार्टी में आ जाता है वो टिकाऊ हो जाता है। दूसरी पार्टी के भी अगर लोग आएँ वो टिकाऊ हो जाते हैं। पार्टी, हमारी पार्टी के जो संस्कार हैं, जब हमारे परिवार में आदमी आ जाएगा तो रहता है, हो जाता है। वरीयता किसे मिलनी चाहिए? बाहर का कोई व्यक्ति आ रहा है उसकी, या फिर जो पार्टी में ही लंबे समय से सेवा कर रहा है उसकी? देखिए, जब पार्टी, सारी पार्टी में जब टिकट तय होता है तो बहुत सारे नॉर्म्स, मानक होते हैं। उन सब मानकों पे जो व्यक्ति खड़ा उतरेगा, पार्टी उसी के लिए प्रत्याशी बनाएगी। आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे 4 दावेदार हैं, इनमें से कोई है ये जो पार कर रहा है? ये जो देखिए नवाबगंज में, ये सिर्फ नवाबगंज की बात नहीं है, हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है प्रदेश में और सत्ता में सत्ताधारी पार्टी है। इसलिए हमारे दावेदार तो 403 पे लगभग कम से कम 4,000 दावेदार होंगे। लेकिन मैं ये आपसे व्यक्तिगत इसलिए पूछ रहा हूँ, आप नवाबगंज विधानसभा के ही रहने वाले हैं और जो यहाँ के दावेदार हैं उन सबसे आप भली भांति परिचित हैं, तो सबकी क्षमताओं से भी परिचित हैं आप और जानते भी हैं उनके बारे में व्यक्तिगत तौर पर, तो कुछ तो सोचते होंगे आप नवाबगंज के बारे में भी। पार्टी एक बढ़िया निर्णय करेगी जो आपके सामने आ जाएगा और उस निर्णय के साथ सारे कार्यकर्ता खड़े होंगे। उस समय पहले चर्चाएं ये थी कि आप भी विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, ये कहां तक ठीक है? नहीं, मैंने विधानसभा के लिए टिकट नहीं मांगा है, मैंने विधान परिषद के लिए टिकट मांगा है, जो रामपुर और बरेली की सीट है स्थानीय निकाय की, उसके लिए। हम पार्टी के लोग ऐसा नहीं है कि विधान परिषद के लिए टिकट मांगा और विधान परिषद चुनाव अब आगे निकल गया तो हम फिर विधानसभा में दावा करें। हम विधान परिषद के लिए हैं, पार्टी अगर उपयुक्त मुझे समझेगी तो मुझे लड़ाएगी।